जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? सौभाग्य है कि लगातार आपसे संवाद करने का समय मिल पा रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से प्रतिदिन बात हो जाती है, किसी न किसी विषय पर चर्चा हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज हम जो बात करेंगे वह राष्ट्रीय राजनीति की भी नहीं करें, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की भी नहीं करें, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, जनता के सरोकार कहां गए हैं और नेता के सरोकार क्या कर रहे हैं, राजनीतिक दलादली और राजनीतिक हित सिद्धि के लिए यहां क्या हो रहा है, देश को अवगत होना चाहिए। क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश में घट रहा है उसके दूरगामी परिणाम अन्य प्रांतों को भी देखने ही होंगे यदि इसे यहां नहीं रोका गया तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। यद्यपि मुझे बात नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वह उनका घरेलू विषय है, आंतरिक विषय है, लेकिन जब जनता को किसी पार्टी के आंतरिक मामले के कारण समस्या हो, जनता के हित जिस प्रकार से सिद्ध होना चाहिए नहीं हो रहे हो, उन्हें बाधा पड़ रही हो, तो बोलना हमारा धर्म बनता है। कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर व्यापक खींचातनी चल रही है, काफी दिनों से चल रही है। प्रमुखता से तीन खेमे हैं। कमलनाथ जी का एक खेमा है, दिग्विजय सिंह जी का एक खेमा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक खेमा है, और हर कोई चाहता है कि जो कमान हो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वो उसके खेमे के पास रहे। इसलिए एक आपस में द्वंद्व की स्थिति लगातार बनी हुई है, कई महीनों से बनी हुई है, और इसमें एक ट्विस्ट आया अभी। तो वो ट्विस्ट यहां आता है कि जब झाबुआ के उपचुनाव के परिणाम आते हैं और उसमें कांतिलाल भूरिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में भी एमपीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके विषय में यह डिमांड रखी जाती है कि उनको एमपीसीसी का अध्यक्ष बना दिया जाए, और बिल्कुल तिलमिलाकर उस समय सिंधिया जी का खेमा कहता है कि कांग्रेस में एक तरह से दो फाड़ हो जाएंगे यदि सिंधिया जी को नहीं बनाते हैं तो। देखिए, कांग्रेस में क्या होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तीन चौथाई जो एनर्जी है वह इनके आपस के विवादों के को निपटाने में ही लग जाती है। कभी वो बार बार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कभी सिंधिया जी से मिलते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी से मिलते हैं, तो जनता के लिए जो कार्य होना चाहिए उसका समय ढंग से नहीं मिल पा रहा। मुझे टीस इस बात की है, समस्या इस बात की है, और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तभी वे कुर्सी पर आसीन है। तो जनता का यदि काम नहीं करते तो उनका अधिकार भी नहीं बनता है। और बार बार किसी भी कांग्रेस के नेता से जब पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं, इसका निवारण कब आप करेंगे ताकि जनता के काम हो सके, तो उनका एक ही उत्तर आता है, आला कमान करेंगे। अब मैं आपको इस स्थिति को उसी रूप में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थिति जो है वो द्रौपदी की है, जिसका रोज चीरहरण कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तो जो आला कमान है वह धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है। पुनः बोलूंगा, एमपीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्तमान में जो स्थिति है वो द्रौपदी की तरह है, जिसका चीरहरण खुद कांग्रेस के नेता रोज कर रहे हैं और आला कमान धृतराष्ट्र बनकर बैठे हैं, और जनता सफर कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री को काम करने का समय नहीं मिल रहा, किसान मर रहा है, बेरोजगार युवा तड़प रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एक विषय जिसको यदि नहीं रोका गया तो देश जो है वो दूसरा विभाजन देख सकता है। केवल स्थानीय निकायों के चुनावों को जीतने के लिए
मध्य प्रदेश शासन इस चक्कर में लगा हुआ है, पूरा उन्होंने मानस बना लिया है कि भोपाल हुआ, जबलपुर हुआ, यहां तक इंदौर हुआ, इन नगर निगमों को दो दो निगम नगर निगमों में विभाजित कर दें। हालांकि ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि विकास के कार्य अच्छे हो सके। और ये इसमें जो उदाहरण देते हैं दिल्ली का देते हैं कि दिल्ली में भी तो तीन मेयर हैं, तो दिल्ली में जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से ऊपर है, मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में 20-22 लाख से ज्यादा नहीं है। और ये जो डिवीजन कर रहे हैं सिटीज का, ये हिंदू नगर निगम और मुस्लिम नगर निगम में करना चाहते हैं ताकि इनकी सीटें बढ़ जाए, इनके मेयर बढ़ जाए। केवल अपने मेयर बढ़ाने के लिए क्या शहर को हिंदू नगर निगम और मुस्लिम नगर निगम में बांटना सही है? यह वापसी हो रही है जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसके बाद भारत का पार्टीशन हुआ, तो कांग्रेस पार्टी अब तो शहरों को बांट रही है कि यह हिंदू क्षेत्र, ये मुसलमान क्षेत्र, ये हिंदू नगर निगम, ये मुसलमान नगर निगम, ये हिंदू नगर निगम का मेयर, ये मुसलमान नगर निगम का मेयर। इसको रोकना होगा और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अपने खून की अंतिम बूंद तक मैं इसका विरोध करूंगा। भारत माता की जय।